दोस्तों यहाँ शाहरुख खान पठान फिल्म से यहाँ पर एक बड़ा कमबैक करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि दोस्तों यहाँ फिलहाल तो इस फिल्म का केमियो जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, यानी कि यहाँ टाइगर 3 से सलमान खान जो कि यहाँ पठान में केमियो करने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों क्या यहाँ मेकर्स यहाँ सलमान खान के जरिए यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं फिल्म पठान को। जैसे कि यहाँ देखे तो यहाँ शाहरुख खान की पिछली कुछ फिल्में जो कि यहाँ बॉक्स ऑफिस पर यहाँ केवल ठीक ठाक ही रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ इस बार यशराज फिल्म यहाँ पठान पर काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रही है, तो इसमें मेकर से जरूर चाहेंगे कि यहाँ शाहरुख खान की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रहे। और जैसे कि यहाँ इस फिल्म को बड़ा बनाने के लिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है। इसमें तो यहाँ फिल्म में सलमान खान का एक बड़ा केमियो रखा गया है। और जैसे कि यहाँ खास बात है कि यहाँ सलमान खान का केमियो कोई छोटा मोटा केमियो नहीं है, क्योंकि जैसे कि यहाँ फिल्म पठान में सलमान हमें दिखेंगे अपने टाइगर वाले किरदार में, और वो भी 20 मिनट का ज़बरदस्त एक्शन सीन। तो इसमें जहाँ एक तरफ फिल्म जीरो में भी यहाँ सलमान शाहरुख एक साथ दिखे थे, लेकिन जैसे कि यहाँ पर सलमान के केमियो में वो बात नहीं थी। खासकर क्योंकि जैसे क्या जानने को मिल रहा है कि टाइगर 3 फिल्म की शुरुआत तो यहाँ फिल्म पठान से ही होती दिख जाएगी, और इसमें कहा जा सकता है कि टाइगर 3 से पहले यहाँ पर पठान फिल्म को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि मेकर्स ने यहाँ पर काफ़ी शानदार स्ट्रेटजी अपनाई है, साथ ही जैसे कि सलमान के टाइगर किरदार का बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।